मैंने नारायणी आंटी को नहीं मारा। चुप। लड़कियां जब अपने ससुराल जाती है तो कई आदतें बदलनी पड़ती हैं। तुम्हारी ये झूठ बोलने की आदत मैं बदलूंगा। सिर्फ एक आदत रहेगी, दर्द को महसूस करने की और उसी के साथ जीने की। हर दिन तड़प तड़प के मरोगी। ठीक है, अब मैं भी देखती हूं कि क्या बदलता है, मेरी आदत या तुम्हारी गलतफहमी, मेरा गणेश पर से विश्वास या तुम्हारा विश्वास राव पर से अंधविश्वास। एंड डोंट वरी, ये जानने के बाद कि तुम्हारे क्या इरादे हैं, मैं शादी से इनकार नहीं करूंगी। मैं तो इस शादी से बहुत खुश हूं। विश्वास राव से बदला लेने का मौका जो मिल जाएगा मुझे, अपने आई बाबा की मौत का बदला लेने का भी मौका मिल जाएगा, और तुम्हारी गलतफहमी, तुम्हारी आंखें खोलने का भी मौका मिल जाएगा। नाइस। पहली बार किसी दुश्मन को अपने होने वाली बर्बादी पे खुश होते देख रहा हूं। बर्बादी मेरी नहीं, तुम्हारे पापा विश्वासराव पाटिल की बर्बादी। शुरुआत तो मैं कर ही चुकी हूं, वो टिम्बर फैक्ट्री चलाकर। सही कहा तुमने, आग लगाई तुमने तो हाथ भी तुम्हारे चलेंगे। एक छोटी सी चिंगारी पे इतना खुश हो रही, उस आग का इंतजार करो जो तुम्हारी जिंदगी में मैं लगाने वाला हूं। एंड आई प्रॉमिस, घर से विदा होने के वक्त जितने आंसू तुम्हारी आंखों में होंगे, तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दूंगा। कि तुमने ये फैसला क्यों किया? आई स्वेयर। अब जाकर मेरी मां की आत्मा को शांति मिलेगी, जब उनकी मौत का बदला मैं तुमसे पूरा करूंगा। 10 साल पहले विश्वास तोड़कर भाग चुकी थी तुम, विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं उठता तुम पर। घर से विदा होने के वक्त जितने आंसू तुम्हारी आंखों में होंगे, तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि तुमने ये फैसला क्यों किया। बचपन में क्या क्या सोचा था ना गणेश, बड़े होकर वो मस्ती करेंगे, पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आई बाबा का नाम रोशन करेंगे, एक साथ दुनिया की सैर करेंगे। पर देखना क्या से क्या हो गया, किस्मत ने हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं भी चाहती हूँ मेरी एक अच्छी जिंदगी हो, एक ऐसा पति हो जो मुझे बहुत प्यार करे,
बहुत खुश रखे। पर देखना, जिससे मैं शादी करने जा रही हूं उसे तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। राघव, जिससे मैं शादी करने जा रही हूं वो मुझे पल पल तड़पाना चाहता है। एक ऐसे घर में जा रही हूं जहां मेरा हर दिन मुश्किलों भरा होगा, पर फिर भी मैं जाऊंगी, अपने आई बाबा की मौत का बदला लूंगी, नारायणी आंटी को इंसाफ दिलाऊंगी। कितनी अजीब बात है ना गोलू, पूरी दुनिया मुझे रिया के रूप में जानती है और जो दर्पण के रूप में जानता है या तो मुझे मार देना चाहता है या दोषी समझकर मुझे तड़पाना चाहता है। एक तू ही है मेरे भाई, जो मुझे कितने अच्छे से जानता है, जिसने मुझे खुद से मिलवाया, जिसने मुझे मरने नहीं दिया, जिसने मेरे लिए वो सब कुछ किया ताकि मैं जान सकूं कि मैं कौन। आज मैं तुझे भी खुद से दूर रख रही हूं, पर वो लोग कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, सामने सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, सब कुछ अंधेरा है। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, दस साल बाद तुम मुझे मिला है, दस साल बाद मैं तुझे नहीं खोना चाहती गोलू, तू ही तो है मेरे हर सुख दुख मुसीबत परेशानी में मेरा साथ देता है, हर पल मेरे साथ खड़ा रहता है। इस जंग में मेरा साथ देगा ना गोलू? उस विश्वास राव की सोने की लंका को जलाने के लिए मुझे उस घर में जाना होगा, मैं बिना तेरे कुछ नहीं कर सकती, तू मेरा साथ देगा ना? देगा ना? मैं जानती हूँ गोलू, तू हमेशा मेरा साथ देगा, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। याद है तुझे, बचपन में आई बाबा कहते थे कि जिस दिन मैं बड़ी हो जाऊंगी उस दिन तू मेरा कन्यादान करेगा। अब ऐसा हो सकता है गणेश? शादी भले ही नफरत से कर रही हूं पर मैं प्यार से विदा होना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तू मेरा कन्यादान करे गणेश। अगर मैं साथ से सिर्फ इतनी सी खुशी मांगती कि मेरा कन्यादान मेरा भाई गणेश करे,
करेगा ना गणेश, अपनी बहन का कन्यादान करेगा ना तू? मैं घर से तो निकल कर आ गई हूँ, पर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा ताकि गणेश यहाँ कर मेरा कन्यादान कर सके। मगर कैसे? विश्वास राव वहाँ होगा और उसने गणेश को वहाँ देखा तो उसे पक्का शक हो जाएगा कि मैं ही दर्पण हूँ और गणेश की जान का दुश्मन बन जाएगा। हे भगवान, प्लीज बताओ मैं क्या करूँ। इस पर तो किसी का नाम भी नहीं लिखा। ये तो वही मेरा स्काफ है जो गणेश के पास रहता है। मैं यहाँ पे, भगवान कहीं गणेश किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? गणेश, भाई गणेश कहाँ है तू? गणेश कहाँ है तू? गणेश, दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा। गणेश सुनो, अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज वो मेरा भाई है, रोको। What's up, दर्पण?
गया। हमेशा मेरे भाई को। हॉलिडे पे भेजा है। थक गया था बेचारा। शादी के बाद तुम्हें भी हॉलिडे पे ले जाऊंगा। बस फर्क इतना है कि आज के बाद तुम गणेश को कभी नहीं मिल पाओगी। 10 साल बाद मिला था, वापस बिछड़ गया। ये क्या है रिया? दर्पण, बार बार नाम भूल जाता हूं। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सोच लो, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आग से खेलने की कोशिश करोगी तो हाथ तुम्हारे चलेंगे। ये तुम्हारी भड़काई हुई चिंगारी का ही नतीजा है। ऐसे रिएक्ट मत करो, ये तो शुरुआत है। गणेश की फिक्र हो रही है। दर्पण, गणेश की फिक्र मत करो, मैं उसे कोई चोट नहीं पहुंचाने वाला। और सच कहूं तो गणेश से मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। गणेश जहां कहीं भी है ठीक रहेगा, बस तुमसे दूर रहेगा। और ये तो अच्छा ही हुआ ना कि गणेश यहां से चला गया, वरना बेचारा भाई अपनी बहन को इस तरह तड़पते हुए देखता। तुम्हारे भाई के आंखों में आंसू हो, ये तो तुम नहीं चाहोगे ना। तुम्हारे आंखों में आंसू काफी अच्छे लगते हैं। तुम्हारे भाई के आंखों में आंसू हो, ये तो तुम नहीं चाहोगे ना। तुम्हारे आंखों में आंसू काफी अच्छे लगते हैं। थैंक्स राघव, मेरे अंदर की गिल्ट को मिटाने के लिए। अब तक तो मुझे ये लग रहा था कि तुम गलतफहमी के शिकार। उस विश्वास राव से बदला लेने की कोशिश में मैं कहीं तुम्हें तकलीफ न पहुंचा दूं, लेकिन मैं बहुत गलत थी। You know what? उसके साथ रहकर तुम खुद गलत हो गए हो। पर मुझे बहुत मजा आने वाला है तुम्हें पल पल तकलीफ पहुंचाकर। और रही बात मेरे गणेश की, हम दोनों के बंधन की, तुम्हारा बंधन तो खुद गणपति पप्पा ने करा है। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, फिर चाहे वो इंसान हो या तुम जैसा शैतान। मुझे मेरे भाई से कोई अलग नहीं कर सकता, एंड ये मेरा चैलेंज है तुमसे। कल हमारी शादी में मेरा भाई गणेश जरूर आएगा, पर अगर तुम रोक सकते हो ना तो रोक भी लेना। गणपति पापा मोरिया, अब ये बताओ ये गणेश जी आएंगे कैसे? मेरा प्यार, मेरा विश्वास, हम दोनों का बंधन उसे खींच कर यहाँ लाएगा। गणपति पापा खुद उसे यहाँ लेकर आएंगे, जबकि 10 साल की दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाई तो तुम क्या हो? तुम देखना राघव, कल तुम्हारी आंखों के सामने मेरा भाई शादी में आएगा भी और अपनी बहन का कन्यादान भी करेगा। ये मेरा वादा है तुमसे, वादा है तुमसे, वादा।